हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं अबू धाबी T10 में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की। पुणे डेविल्स और डेकन ग्लैडिएटर्स के बीच में मुकाबला होने वाला है, टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला, दोनों टीम्स का पहला मुकाबला। बहुत बड़े नाम आपके लिए हैं यहाँ पर, क्रेडिट इशू आ रहे हैं, क्रेडिट इशू कैसे सॉल्व होंगे उसकी हम यहाँ पर बात कर लेंगे, कैसे हम बड़े बड़े प्लेयर्स रख सकते हैं, क्या पिच रिपोर्ट कहने वाली है, वो सारी की सारी डिटेल अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। सेकंड मुकाबला है टूर्नामेंट का, वही शेख जईद स्टेडियम अबू धाबी में मुकाबला होगा। मेन बात यह है, जब IPL के मुकाबले हो रहे थे बैक टू बैक नहीं हो रहे थे, और बैक टू बैक नहीं हो रहे थे तो इसका मतलब यह है कि अब इस पिच के ऊपर जब बैक टू बैक मुकाबले होंगे पिच टूटेगी, पिच टूटेगी तो भैया स्पिनर्स और बॉलर्स का थोड़ा सा दबदबा होगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बॉलर्स इतने बढ़िया कर जाएंगे, बट ये बात है कि प्रवीण तांबे ने जब अपना पहला मुकाबला खेला था ना, जब 2018 में जो मुकाबले हुए थे, 2019 में मुकाबले हुए थे, वहाँ पर हुआ गया था, पहले एक दो मुकाबलों में उसने बढ़िया विकेट्स चटकाई थी, उसके बाद चटकाई नहीं थे विकेट्स। तो यहाँ पर आपको ना कुछ टीम्स ऐसी बनानी पड़ेंगी जहाँ पर आपके लिए बैट्समैन बढ़िया परफॉर्म करके दें, और एक कुछ टीम्स ऐसी बनानी पड़ेंगी जहाँ पर आपको बॉलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर करना पड़ेगा, वो देखकर चलना। ये मुकाबला कब शुरू होगा? इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 7:45 पर मुकाबला शुरू होगा। अभी थोड़ी देर बाद आपको जो पहला मुकाबला वो भी लाइव देखने को मिल जाएगा। पुणे के पास और डेकन ग्लैडिएटर के पास, दोनों टीम्स के पास बहुत बड़े नाम हैं। कुछ बड़े नाम जो टूर्नामेंट में लेंगे उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो टेम्परेचर 21 से 22 डिग्री सेल्सियस, दुबई में कभी बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, और अभी इस महीने में तो होती भी नहीं है, वो होगी भी तो भैया कभी कभार हो जाती है मार्च अप्रैल मई जून के करीब, और इन 3-4 महीनों में आपको देखने को मिल जाएगी। अब पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहला गेम है सीज़न का जो क्लियर, मतलब अगर आप देखो ना तो बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। IPL आपने देखा होगा, IPL में शेख स्टेडियम में सबसे ज़्यादा रन्स बन रहे थे, इसी स्टेडियम के ऊपर मुकाबले हैं। T10 के सारे ज़्यादातर मुकाबले यहीं पर ही होने वाले हैं, तो ये मान के चलो पिच जो चेंज करेंगे, मुझे ऐसा लगता है 5 से 6 दिन के बाद पिच चेंज होगी, अभी तो चेंज होने वाली है नहीं। तो स्टार्टिंग में अभी के लिए बैट्समैन बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, और वो भी ओपनर्स मतलब हीटर कैसे, जैसे आपका सुनील नारायण जैसा हीटर है, कैरन पोलार्ड जैसा हीटर है। पोलार्ड तो वैसे ऊपर आएगा नहीं, वो नीचे ही आएगा, बट स्टिल कैरन पोलार्ड जैसा हीटर हो गया हमारे पास, सुनील नारायण जैसा हीटर हो गया। सुनील नारायण ने 2018 के सीज़न खेला था, पुणे के लिए खेला था, पता नहीं एक टीम के लिए खेला था इसने, बांग्ला टाइगर्स है शायद टीम है, उसके लिए खेला था, तो वहाँ पर उसका टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा था। 7 मुकाबलों में उसने 150+ रन्स मार दिए थे, तो वो आप देखकर चलना। एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ, जो 5 T10 मुकाबले यहाँ पर हुए हैं पिछले, 107 रन बने हैं रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग, 3 बार चेज करते हुए टीम जीती है, 2 बार यहाँ पर आ रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 107 जो है ना, ये दुबई की टीम खेलती थी तब के हैं। अब अगर आप देखो दुबई की टीम जब खेलती तो इतने बड़े बड़े नाम होते भी नहीं थे, अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम है, तो ये मान के चलो ये जो 107 है ना, 130 140 कब हो जाएगा 10 ओवर्स में, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। डेविड मलान T20 का सबसे बढ़िया नाम, T10 में इतना बढ़िया अभी के लिए कर नहीं पाया है। यहाँ पर अगर आप देखो 2019 में बढ़िया परफॉर्मेंस 175, बट एवरेज देखो तो 21, और यहाँ पर 21 22 या 30 तक भी अगर रन्स मार रहे हैं ना, तो आपको 30 पे भी बोनस देती है ड्रीम इलेवन की। अगर किसी बंदे ने T10 में 30 रन्स मार दिए तो उसके भी कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये देखकर चलना। प्लस 7 में इसने 2018 2017 में मैचेस खेले थे बचे हुए 4, वहाँ पर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही थी, बट 2019 की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। स्ट्राइक रेट आप देखो 152, ओवरऑल स्ट्राइक रेट इसका 88 का रह जाता है, जो इसने पिछले 4 मुकाबले और जो खेले हैं। चैडविक बॉल्टन की अगर मैं बात करूँ, 2019 में 8 मुकाबलों में 7 इनिंग में 94 रन, इतनी बढ़िया रही नहीं 2019 इसके लिए, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो 170 रन मारे हैं 173 14 मुकाबलों में, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। एवरेज 15 के स्ट्राइक रेट 183। चैडविक बॉल्टन वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर, आपको पता है। फिर उसके बाद टॉम कूलर, आपने देखा होगा अभी टॉम कूलर ने काउंटी खेल कर आ रहा है, काउंटी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है कूलर की, इनका डोमेस्टिक वो काउंटी होता है इंग्लिश में नहीं, मतलब इंग्लैंड के लिए खेलता है। अब अगर आप देखोगे राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन, आपके लिए 6 मैचेस में 5 इनिंग में 73 रन, हाईएस्ट स्कोर 27 का, स्ट्राइक रेट 141। 2019 में 5 मुकाबले खेले हैं, 49 रन, हाईएस्ट स्कोर 27 का है। फिर उसके बाद अगर आप देखो एवरेज 16 की है, ड्रॉप कर सकते हो अगर ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहते हो, ग्रैंड लीग में कर सकते हो। मेन बात यह है, अगर आप ये सोच के टीम बना रहे हो कि इनके बैट्समैन ज़्यादा जल्दी आउट नहीं होंगे, तो ये मान के चलो कि एक आधे दो बैट्समैन आउट हो जाते हैं, टॉम कूलर तक की बैटिंग आती है, तो एंड में आके 5-10
बॉलों में ये मतलब 20-30 रन मार जाता है, तो उसके हिसाब से स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है इसकी। स्ट्राइक रेट अगर आप देखो ना T10 में, ज़्यादातर स्ट्राइक रेट ही देखा करो कि एक बॉल पे बंदा कितने रन मार सकता है। अगर डबल की स्ट्राइक रेट है, 200 की स्ट्राइक रेट से अगर रन मार रहा है तो बहुत बढ़िया, 200 से ऊपर की मार रहा है तो उसे तो भैया आप कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी आराम से दो। अगर जो 150 से ऊपर तक की मार रहा है तो ये मान के चलो 150 से ऊपर तक की नॉर्मल स्ट्राइक रेट रहती है T10 में, 100 से कम की है तो फिर तो उस प्लेयर को रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ पर केनार लेविस की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन, 15 मैचेज में रन जो करें वो 237 एवरेज 16 की है, स्ट्राइक रेट 109। फिर उसके बाद डोरिस रसूली, नाम सुना होगा, इंग्लिश मैन राइट हैंड बैट्समैन आपके लिए, 26 मुकाबलों में 553 रन एवरेज जो 27 के, स्ट्राइक रेट 135। इन्होंने ना T20s खेले ही नहीं है, ये कुछ नए नाम है जो इस बार जुड़े हैं। मेन बात ये है कि कुछ ना खेले थे, इनका क्या है अबू धाबी का, इनने सिर्फ एक एक प्लेयर रिटेन करा था और कोई भी प्लेयर रिटेन नहीं करा था। किन्हीं ने दो कर लिए थे बट ज़्यादातर टीम्स ने एक एक प्लेयर ही रिटेन करा था और सारे के सारे प्लेयर्स थे भैया ऑक्शन में, तो जितने वापस आए हैं उतने उनने ले लिए, जितने कुछ नए लेकर आए हैं। और इस बार कई सारे प्लेयर्स नए हैं जो आपको पहले कभी खेलते हुए दिखे ही नहीं होंगे, तो ऐसे भी कुछ प्लेयर्स हैं। अबू धाबी T10 लीग शायद पिछली बार 2019 को हुई थी आखिरी बार, 2020 को तो हुई नहीं थी। 2019 में अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हो गए तो वहाँ पर आपने देखा होगा ये लीग अगर इन्हें करी होगी, मतलब टेलीकास्ट यहाँ पर करी होगी। तो अब यहाँ पर नसीर हुसैन आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर आपके लिए T20 में। अगर आप देखोगे 119 मैचेस, बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं, रन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, 1400 के करीब एवरेज, 21 के, ओवर 178, विकेट 44। फिर उसके बाद डेवन थॉमसन आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, T20 में 90 मैचेस में रन 1191 एवरेज जो है 18 के। करण केसी राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर आपके लिए T20 में। अगर आप देखो 30 मैचेस में रन 182 एवरेज 14 के, ओवर 97, विकेट 37। उसके बाद मोहम्मद आमिर आपके पास है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अब मोहम्मद आमिर का पता है क्या है, मेंटेलिटी के ऊपर मैं जा रहा हूँ भैया मोहम्मद आमिर की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद आमिर बिल्कुल बेकार प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रहा मोहम्मद आमिर बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, परफॉर्मेंस छोड़ दो, रिसेंट में हुआ क्या है वो देखो। क्योंकि अभी के लिए मोहम्मद आमिर हुआ क्या है कि इसने रिटायरमेंट ले लिया, इसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा अभी के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप कोई भी मैच नहीं खेल रहे हो तो मतलब इनके टीम में ही कुछ चल रहा था, उस वजह से यहाँ पर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट लिया। मेन बात यह है कि इनका माइंडसेट कैसा है, अगर तो फ्री हैं अब के लिए तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाएंगे, अगर वो अभी भी चीज़ें चल रही होंगी ना दिमाग में तो वो सेटबैक होगा इनके पास, और वो अगर सेटबैक के साथ चलेंगे टूर्नामेंट में तो ये मान के चलो इतना बढ़िया नहीं करने वाले हैं। ये प्लेयर अब माइंडसेट के ऊपर है, हिट मिस वाली बात है, अगर माइंडसेट बढ़िया हुआ तो मान के चलो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाएगा इस टूर्नामेंट में। मुनीस अंसारी की बात अगर मैं करूँ, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन, T20 में 17 मैचेस में ओवर 59, विकेट 18। फिर उसके सैम आपके पास है, राइट आर्म फास्ट बॉलर T20 में 2 मैचेस में ओवर 4, विकेट 0। हार्डेस आपके पास हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन, T10 में 12 मैचेस में रन्स 11, ओवर 24, विकेट 20। 2018 में जो टूर्नामेंट हुआ था T10 का, उसमें 9 मैचेस में ओवर 18 और विकेट 18, अगर आप देखो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रहा था इसका। अभी तक मैंने इतनी विकेट्स देखी नहीं है किसी भी प्लेयर के पास जिसने T10 में इतनी ज़्यादा विकेट्स ले ली हों, वो भी ऑब्वियसली इस वाले T10 में। मोहम्मद बूता की अगर मैं बात करूं, इनका UAE का प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, D10 जो हुआ था उसमें 12 मैचेस खेले थे, 10 इनिंग में रन्स 147, एवरेज जो है यहाँ पर 16 की है। फिर उसका स्ट्राइक रेट 179, T20 में इतना बढ़िया रहा नहीं है, 68 रन मारे हैं। वी अरविंद इनका एक बहुत बढ़िया पिक है, अगर वी अरविंद खेलता है ना, इस प्लेयर को ड्रॉप मत करना चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी भी जो D10 हुआ है उसमें 12 मैचेस में रन्स यहाँ पर 358, एवरेज देख लो 40 की है, स्ट्राइक रेट 200 प्लस की है, एक बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट। T20 में चाहे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस ना दियो, वैसे एवरेज देखोगे तो बहुत बढ़िया है, स्ट्राइक रेट थोड़ी सी कम है, बट T10 की स्ट्राइक रेट 200 प्लस, और जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया 200 प्लस स्ट्राइक रेट है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाला है। आसिफ खान T10 में 2019 में एक मैच खेला है, 25 रन मारे हैं और हाईएस्ट स्कोर 25 का, स्ट्राइक रेट 147, तो एक टैलेंट जो आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेकन ग्लैडिएटर की, मोहम्मद शहजाद अफगानिस्तान का प्लेयर, राइट हैंड बैट्समैन, आपको पता है ये हिट एंड मिस वाला प्लेयर, और ऐसे ही प्लेयर्स चलते हैं T10 में, अगर ये चल जाता है, अगर ये
एक बार खड़ा हो जाता है, 5-10 बॉल भी खेल जाएगा ना तो मान के चलो 20-30 रन आपको बनाकर दे देगा। और यहाँ पर स्ट्राइक रेट 200 की स्ट्राइक रेट है ओवरऑल भी, जो 15 मुकाबले खेले हैं इसने 23 की एवरेज के साथ, और जो 9 मुकाबले 2019 में खेले हैं 169 रन, एवरेज 21 की है, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 213 की है, तो एक बहुत बढ़िया प्लेयर सुनील नारायण। इंपॉर्टेंट बात यह है, 2018 में इसने खेला था ये T10 का मुकाबला, 7 मुकाबलों में रन अगर आप देखो 160 ओवर 9 विकेट थे, एक बहुत बढ़िया पिक। कितना बढ़िया, आपको पता है सुनील नारायण क्या कर सकता है ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। आजम खान रिसेंटली क्या खेला है वो मैं आपको बताता हूँ। जो श्रीलंका की प्रीमियर लीग चल रही थी ना वो खेल कर आ रहा है आजम खान, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। स्टार्टिंग में इतना बढ़िया इसने करा नहीं था, बट उसके बाद जो है टीम कुछ मुकाबले टीम को इसी ने जितवाए थे। ये T20 है, T10 तो इसने कभी खेला ही नहीं है, T20 की मैं बात कर रहा हूँ। T20 भी डोमेस्टिक इसने इतना नहीं खेला अब जितना इसने ये खेल लिया, जो हमारे पास प्रीमियर लीग थी श्रीलंका प्रीमियर लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर कराया। और ये वही था, हिट मिस वाला ही प्लेयर था, आते ही बैट घुमाएगा वैसा ही है। कॉलिन इनग्राम की अगर मैं बात करूँ, इसने एक टूर्नामेंट खेला है T10 का, 2018 का खेला, पता नहीं 2019 का खेला है, ऐसा ही कुछ खेला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ T20 की तो दो मैचेस जो है 275 रन यहाँ पर 6-9-1-6, एवरेज जो है 29 किया ओवर 1 विकेट 0। कैरन पोलार्ड एक इंपॉर्टेंट पिक, कैप्टेंसी कर रहा है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन, T10 में 16 मैचेस में इनिंग 14 रन यहाँ पर 151, हाईएस्ट स्कोर 45 का है, स्ट्राइक रेट 163, ओवर 12 विकेट 2, 2019 में मैच 7 रन अगर आप देखोगे 84, हाईएस्ट स्कोर 45, एवरेज 16 की है, स्ट्राइक रेट 152, ओवर 7 विकेट 1। प्रशांत गुप्ता इंडियन प्लेयर है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर, पहली बार खेल रहा है, 37 मैचेस में रन अगर आप देखोगे तो 1-1-1-1, फिर उसके बाद एवरेज देखोगे 33 की है ओवर 11 विकेट फिर 2, फिर उसके बाद इम्तियाज अहमद, इम्तियाज के अगर स्पेलिंग गलत हो अगर आप सर्च करोगे ना तो एक इम्तियाज अहमद है, पाकिस्तान का प्लेयर था शायद वो, जो 2016 में हो गया, बट मेन बात यह है कि ये कोई और इम्तियाज है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ T20 में 20 मैचेस में ओवर अगर आप देखोगे 69 यहाँ पर 150, जसीन जमीर आपके पास है, मैच एक रन यहाँ पर 20, और स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे 285, बढ़िया स्ट्राइक रेट रही है, एक मुकाबला जिसने खेला ना T10 का बहुत बढ़िया रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जहूर खान आपके पास है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन, T10 में यहाँ पर 21 मैचेज में ओवर यहाँ पर 27 विकेट 6 रन 1, और 2019 में 9 मैचेज में 16.5 ओवर में विकेट 3 सेट का ही है। इमरान ताहिर आपको पता है कितना बढ़िया कर सकता है, और एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए हो सकता है, 306 मैचेज में ओवर जो है 206 करे हैं, और विकेट अगर आप देखोगे 382, रन्स 255। आपको पता है इमरान ताहिर का, ये इमरान ताहिर का बताने का तो कोई मतलब नहीं था। रवि रामपाल की अगर मैं बात करूं, रवि रामपाल वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे आपके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मैचेस 153 ओवर 546 विकेट 192 रन यहाँ पर अगर आप देखो 188। कैमरन डेलपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला, अगर ये खेलता तो बहुत बढ़िया, नहीं खेलता तो फिर भैया ड्रॉप ही करना पड़ेगा। 2018 में आखिरी T10 मुकाबला खेला था, उसके बाद अहमद ताहिर नहीं खिलाएगी शायद टीम, क्योंकि देखो 13 मुकाबले खेले हैं इसने T10 में, उसमें 2 ही इनिंग्स में इसकी बैटिंग आई है और 14 रन करे हैं। हफीज़ुर रहमान की अगर मैं बात करूं, 6 मुकाबले खेले हैं, ओवर 11 विकेट 2, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। एरन समर काउंटी खेलकर आया है अभी जस्ट, और काउंटी ही खेलता है, इंग्लिश मैन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन, 2 मैचेस में ओवर 8 विकेट 0 अनवर अली, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन, T20 खेले हैं 154। पाकिस्तान का प्लेयर है, एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ओवर अगर आप देखोगे 500 करें, विकेट 143 और रन अगर आप देखो तो 1200 के करीब रन करें। यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल बता चुका हूँ, तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। अब अगर आप देखो, मैं यहाँ पर 4 प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ऑब्वियसली बात है मोहम्मद शहजाद को सबके साथ बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं, बट वी अरविंद D10 इन्हीं पिच के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर आया है, और बहुत बढ़िया आपको अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो मुकाबला हुआ, और फिर जो उसके बाद आपके पास आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला हुआ वहाँ पर भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। आजम खान के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, बट ये श्रीलंका प्रीमियर लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर आया, T20 में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर आया, हिट एंड मिस वाला ही प्लेयर है। जितनी मैंने इसकी इनिंग्स देखी हैं वहाँ पर अगर आप देखो तो भैया हर एक मैच में इसने वही करा है, बैट ही घुमाया आकर। और यहाँ पर T10 में होता ही है, बैट घुमाओ, लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो फिर छोड़ो, फिर भैया नेक्स्ट बैट्समैन को आन दो। मैम बूता की अगर मैं बात करूँ, मैम बूता भैया UAE का एक इंटरनेशनल प्लेयर जो बहुत बढ़िया परफॉर्म आपको करके दे सकता है, बट अभी के लिए इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। चैडविक बॉल्टन एक इंपॉर्टेंट पिक, के लुइस
ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर भैया सी एन ग्राम और कैमरन डेलपॉट खेल रहे हैं ना, और उसके बाद डेविड मलान खेल रहा है, तो ये कुछ ऐसे नाम है जिनको आप सबसे पहले ट्राई करना। यहाँ पर ये मत करना कि के लुइस को उससे ऊपर ट्राई कर लोगे, ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बट ये है कि शायद ये बड़े नाम खेलेंगे नहीं, तो अगर ये बड़े नाम खेलते नहीं है तो फिर हमें के लुइस जैसे प्लेयर के साथ ही जाना पड़ेगा। उसके बाद ऑलराउंडिंग सेक्शन में दोनों ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। एन हुसैन का कुछ पक्का नहीं है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट मेन बात यह है कि हम सुनील नारायण और करण पोलार्ड को सबसे ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं। क्रेडिट इशू बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। अगर आप देखो, आप मोहम्मद शहजाद के साथ चैडविक बॉल्टन को लेकर जाते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलिन इनग्राम को मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कैमरन डेलपॉट, फिर उसके बाद यहाँ पर करण पोलार्ड, फिर उसके बाद सुनील नारायण, मोहम्मद आमिर। वही माइंड सेट का ऊपर है भाई मोहम्मद आमिर का। मैं ये नहीं कहूँगा मोहम्मद आमिर को आप हर एक टीम में ट्राई कर लो, शायद ये बढ़िया परफॉर्म भी ना कर पाए। इमरान ताहिर विल्जन आपके पास है। रवि रामपाल को ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, आपको पता है क्या करता है क्या नहीं। यहाँ पर अदनान रजा एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। अदनान रजा यूएई के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर आया है। एस अशरफ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिए ना यूएई का ही प्लेयर है, और एस अशरफ खेला कहाँ था, ये कोई टी10 नहीं खेला, ये खेला जो इनके ODD हुए थे ना बीच में, वो खेला है एस अशरफ। तो वहाँ पर इसकी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं थी, क्योंकि जो इनके ODD हुए थे वहाँ पर स्कोर्स ही बहुत कम बन रहे थे, 200 के करीब स्कोर्स बन रहे थे ऑन एन एवरेज। और दो प्लेयर बचते हैं आपके पास, 18 पॉइंट बचते हैं। अगर आप ये करना चाहते हो कि आज़म खान या वी अरविंद खेलता है तो फिर उसके बाद आप ये कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, अगर डेविड मलान खेलता तो मैं डेविड मलान के साथ जाऊँगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सुनील नारायण के साथ मैं कैप्टेंसी दूंगा। वाइस कैप्टेंसी करण पोलार्ड को आप दे सकते हो, आपके ऊपर है। आपके पास ऑप्शन वी अरविंद कार्ड आपके लिए ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे पहली टीम की, अगर मैं बात करूं कैप्टेंसी यहाँ पर करण पोलार्ड को दे रखी है, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर मोहम्मद शहजाद को दे रखी है। आजम खान आपके पास है, डी थॉमस आपके पास है, चैडविक बॉल्टन, फिर उसके टी गुलर आपके पास है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेविड मलान, सुनील नारायण, कैप्टेंसी करण पोलार्ड, इमरान ताहिर, मोहम्मद आमिर और विल्जन, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर कोई बड़े नाम नहीं खेलते हैं तो फिर आपको टी कोलर जैसे प्लेयर को ट्राई करना पड़ेगा। टी कोलर को नहीं तो आप ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कोई क्रेडिट इशू नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, आजम खान एज अ वाइस कैप्टन, मोहम्मद शहजाद कैप्टनसी यहाँ पर, चैडविक बॉल्टन, डी मलान, फिर उसके बाद एन हुसैन, फिर उसके बाद जेड खान आपके पास है, उसके बाद इमरान ताहिर और उसके बाद विग्नेशवी आपके पास हैं। इसके स्टैट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल ही नया प्लेयर है, काउंटी खेलता था कभी बट अभी के लिए नहीं खेल रहा, अभी के लिए एक्टिव प्लेयर नहीं है। तीसरी टीम जो मैं आपके लेकर आया हूँ, कैप्टेंसी जो अभी आप ही के सामने बनाई है, अगर ये बड़े प्लेयर्स खेलते हैं तो मैं वी अरविंद के साथ ही जाऊँगा, मैं और किसी के साथ नहीं जाऊँगा। नहीं तो अगर ये नहीं खेलते तो मैं आजम खान के साथ जा सकता हूँ। अभी के लिए वही है कि जब प्लेइंग 11 आएगी तो उसके बाद ज़्यादा बढ़िया आपको पता लग जाएगा। अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।